नमस्कार, प्रागेक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। वारंटियों के घर सुबह 4 बजे पुलिस ने दी है दबिश। आधा सैकड़ा चढ़े पुलिस के हत्थे। फरार वारंटियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है। इस अभियान में 1 सैकड़ा वारंटियों की धरपकड़ की गई है। इसमें उन स्थानों की चिन्हित किया गया है जिसमें सबसे ज़्यादा वारंटी लंबित है। पुलिस अधीक्षक ने निर्देश पर विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में सिटी कोतवाली, सिविल लाइन, मनगवा, मऊगंज सहित अन्य थानों को सीमित किया गया था जहां सबसे ज़्यादा स्थानीय वारंटी फरार है। इनकी धरपकड़ के लिए SP ने सभी थानों को अतिरिक्त वाहन एवं बल के साथ देहात के थाने प्रभारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। तड़के 3 बजे SP नवनीत भसीम सभी फोर्स को बुलवाकर उनको सभी फोटो को टारगेट देकर रवाना किया। पुलिस ने वारंटियों की धरपकड़ में सुबह 4 बजे उनके घरों तक दस्तक दी। कबीश 1 सैकड़ा को लगभग वारंटी पकड़ा गया। उनके खिलाफ दर्ज मामलों की सुनवाई भी न्यायालय में नहीं हो पा रही थी। करीब 2 दर्जन से अधिक वारंटियों को पकड़ा गया है। सबसे ज्यादा शहरी थानों में लंबित है। हमारे SP साहब के द्वारा कल जिले में अर्ली मॉर्निंग में सुबह सुबह 3 बजे से एक अभियान चलाया गया था जिसमें उद्देश्य था वारंटियों की धरपकड़ करना। इसमें शहर के सभी थाना प्रभारियों को इकट्ठा किया गया, साथ ही साथ पुलिस लाइन से बल भी इकट्ठा किया गया। इसके अलावा देहात के जो थाना हैं जहाँ पर वारंटी कम थे उन थाना प्रभारियों को भी बुलाया गया और शहर के थानों को उस पर टीम के रूप में दिया गया। 4-4, 3-3 अधिकारियों की टीम बनाई गई। फोर्स के साथ टीमों को भेजा गया। कम से कम टीमें सुबह 3-4 बजे निकलने के बाद फिर एक बार वापस आई, फिर दोबारा गई, फिर वापस आई। इस तरह से 3-4 राउंड सभी टीमों ने लगाए। इसके साथ साथ शहर के अलावा मनगवा और मऊगंज क्षेत्र में भी इसी तरह से टीमें बनाकर जिसमें भी देहात क्षेत्र के थाना प्रभारियों को इकट्ठा किया गया था और उसके बाद फिर टीमों को वारंटियों की पतासाजी, तलाश और गिरफ्तारी के लिए भेजा गया था। इस अभियान में 100 से अधिक वारंटी पकड़े गए हैं और पुलिस को काफ़ी सफलता मिली है। साथ ही साथ इसमें जो वारंटी है उनके मन में भय भी आया है, तो बहुत सारे वारंटी अभी अपने आप को न्यायालय में सरेंडर करने के लिए भी तैयार हो गए हैं, ऐसा जानकारी में लग रहा है लोगों से।